मैं हूं डॉक्टर अभिलाष मोदी, और आज जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या करें जब हमें कोई डांटता है, या जब स्पेशली पेरेंट्स हमें डांटते हैं, उस केस में क्या किया जाए। मैंने यही मुद्दा, यही इशू क्यों चुना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मैं काफ़ी सालों से टीचर हूँ, मैं हमेशा इससे एक चीज़ मानता हूँ कि पेरेंट्स जब भी डांटते हैं, ये वो वक्त होता है जब बच्चे सबसे ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, बच्चों को लगता है कि क्या किया जाए। तो ऐसे मुद्दे पर बात होनी ही चाहिए, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था, तो मैं जरूर इसके बारे में बात करूंगा। देखिए क्या होता है, जब पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं उसके पीछे कारण ये होता है कहीं ना कहीं कि हमारे इंडिया में पेरेंटिंग को लेकर के किसी तरीके की वर्कशॉप होती नहीं, और होती है तो वो इतने वाइड लेवल पे नहीं हो पाती कि आम जन को पता चल सके। हमें लगता है कि पेरेंट्स को तो पता ही होगा कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, या पेरेंटिंग शब्द ही उनके लिए बहुत नया है। उन्होंने स्कूलिंग सुना होगा, शॉपिंग सुना होगा, पर पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत नया वर्ड है उनके लिए। उन्हें लगता है मुझे पता है यार, मैं पेरेंट हूं तो मुझे पता है ना बच्चों को कैसे पालना है, और उसी कारण से वो बहुत बार कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं डांटने के या मारने के, हाथ उठाने के, जिससे बच्चे जो हैं वो बहुत हद तक टूट जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक टूट जाता है, उनके आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ जाती है, कि उन्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते ही रहते हैं यार, ये तो गलत चीज है। मैंने जैसा बताया, मैं एक टीचर हूं और काफी सारे बच्चों को पढ़ाया है। जब मैंने इवन प्रोफेशनल्स को भी पढ़ाया, तो मैं उनको सबसे ज्यादा नर्वस तभी पाता हूं जब उनके पेरेंट्स उनको डांटते हैं, या उनके पेरेंट्स को ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा क्या बनना चाहता है। वो बच्चों को वही बनाना चाहते हैं जो वो बनाना चाहते हैं, या जो उनके रिलेटिव्स उनको बनाना चाहते हैं। देखिए, जब भी पेरेंट्स आपको डांटते हैं, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उन्हीं के लिए मैसेज है, जब भी पेरेंट्स आपको डांटते हैं तो सबसे पहले तो ये देखें, बिना कुछ सोचे समझे, हर कुछ ही सोचे समझे, कि जो पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं उसमें क्या वास्तविकता में आपकी गलती है। एक बार के लिए सोचे शांत मन से, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि उस समय भी मन को कैसे शांत बनाए रखें। आप एक बार के लिए शांत मन से सोचे कि क्या जो पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं उस पर आपकी गलती है भी सही कि नहीं। 90% केसेस में आपको लगेगा कि आपकी गलती है, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती है, तो आपको ये सोचना चाहिए मेरे बहुत अच्छे और रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, इस कारण से वो मुझे डांट रहे हैं। सेकेंड नंबर पे एक पॉइंट आया कि बहुत बार आपकी गलती नहीं होती, पर पापा जॉब की टेंशन से लेकर, या मम्मी दीदी की शादी नहीं हो रही उस टेंशन के कारण आपको डांट दें। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ पेरेंट्स मुझे डांट रहे हैं वो सही पॉइंट है, तो आपको अच्छा फील करना चाहिए कि पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल हैं, और यही डांट आपको फ्यूचर में याद आएगी जब आप कुछ बन जाएंगे, कि थैंक यू मम्मी पापा, आपने मुझे डांटा, इस कारण से मैं आज कुछ बन पाया। एक पॉइंट तो ये रहा। सेकंड, एक और इशू है जो इसी से कनेक्टेड है, वो है बहुत बार पेरेंट्स टॉन्ट भी मारने लग जाते हैं। फिर से ऐसे मैंने बताया, इंडिया में पेरेंटिंग जैसी कोई वर्कशॉप होती नहीं है, तो एक्चुअली पेरेंट्स को समझ में नहीं आता बहुत बार कि क्या किया जाए। वो थोड़ा बहुत प्यार से भी समझाते हैं, थोड़ा बहुत उन मोटिवेशनल लाइन से भी समझाते हैं जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में सुनी है, पर जब कुछ काम नहीं करता तो बहुत फास्ट लेवल पे, इंस्टेंट लेवल पे उनको लगता है कि यार अब डांटना पड़ेगा, अब ताना मारना पड़ेगा, नहीं मारा तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चा कुछ बन नहीं पाएगा। और ये कारण है कि वो डांटते नहीं है, क्योंकि डांटने पर उनको लगता है बच्चा कुछ गलत ना कर ले, तो वो ताने मारने लग जाते हैं, और ये और भी बड़ी समस्या हो जाती है। आपको जिनके साथ 24 घंटे रहना है, या जिंदगी के मैक्सिमम समय रहना है, वही लोग अगर आपको ताने मारेंगे तो आप सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। उस केस में भी आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर पेरेंट्स डांट रहे हैं, ताने मार रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको हर्ट कर रहा है, तो आप एक बार के लिए देखिए क्या आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको हर्ट कर रहा है। मैंने 3 सॉल्यूशन यहां पर बताए हैं शुरू से लास्ट तक अभी वीडियो में। पहले नंबर पर यह है कि जब भी पेरेंट्स डांटें तो पहले गैप दे अपने दिमाग को, शांत करें उसको। ये एक बहुत बड़े लेवल की चीज है गाइस, और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, क्योंकि उस समय पर ज्यादातर लोग तो फ्रस्ट्रेटेड होकर के कुछ भी बोल देंगे। आपको नहीं करना है ऐसा, इंस्टेंटली अपने दिमाग को काम मोड पर ले जाएं और सोचें
क्या इसमें मेरी गलती है? अगर जवाब आता है यस, मेरी गलती है, तो बोलें सॉरी, दैट्स इट। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस होगी, रियलाइजेशन पावर बढ़ेगा। सेकेंड नंबर पर अगर आपको लगता है मेरी गलती नहीं है, तो सोचे क्या मम्मी पापा किसी प्रॉब्लम में है। उस समय पर आप अपना फ्रस्ट्रेशन पढ़ाई ना करके ना निकालें, पढ़ाई ज्यादा करें, क्योंकि घर की समस्याओं को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है अब, क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्ट करें उस केस में। और थर्ड नंबर पर अगर पेरेंट्स टॉन्ट करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, यही करें कि जो इनके टॉन्ट है, मुझे उसको एक मोटिवेशनल लाइन में चेंज करना है। मुझे ये बताना है कि मैं कुछ हूं, मुझे ये बताना है कि आपने जिस इंसान को पैदा किया है वो अपनी फील्ड का भगवान बन के बताएगा, जो भी फील्ड आप चुने उसको। और एक और चीज कर सकते हैं जो मैं हमेशा से करता था, कि हमेशा ये चीज सोचें कि जो आंखें आपको डरा रही है, माँ बाप में से जिसकी भी आंखें हैं, दोनों की आंखें जो आपको डरा रही है, आप यही चीज सोचें कि इन्हीं आंखों में खुशी के आंसू लेकर के आने हैं, कड़ी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके इन्हीं आंखों में खुशी के आंसू लेकर के आने हैं। तो देखिए, कुछ तरीके थे जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये बहुत अच्छे तरीके हैं या यही तरीके हैं, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। केवल पॉइंट ये है, अगर किसी का डांटना या अपनों का डांटना आपको अपनी पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, जॉब नहीं करने दे रहा, या किसी और के साथ आपके रिलेशनशिप बिगाड़ रहा है, तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो ट्राई करें इस चीज को प्लीज, कि जब भी कोई डांटे काम रहना सीखें और उसी स्पीड से या और तेज स्पीड से अपने सपनों को पूरी करने की कोशिश में लग जाए। एंड जिंदगी बहुत छोटी है उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ बड़ा करना है, और जिंदगी बहुत बड़ी है उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ छोटा करना है। तो अगर आपको कुछ बड़ा करना है, तो जिंदगी बहुत छोटी है, करने में लग जाओ और कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू, जय हिंद।